नमस्ते दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीवो के एक और न्यू मॉडल की। मॉडल काफ़ी ट्रेंड में, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, वीवो सर्च करेंगे तो वीवो का वही मॉडल आ रहा है फिलहाल में। और ये टी की सीरीज है, T2, T3, T1, ये टी की सीरीज है। T3 Ultra है ये फ़ोन, जबकि अभी लॉन्च किया है वीवो ने T3 Pro 5G, ये T3 Ultra Pro 5G है। तो इसमें देखने वाले हैं क्या क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है इस फोन के अंदर, क्या लुक है, क्या बेहतरीन है, सब कुछ देखेंगे भाई आज के इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लुक को देखिए, बैक लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है, डबल कैमरा और सिंगल वाइट लेंस, और उसके नीचे आपको एक मिल जाएगी सिंपल सी आपको एक रिंग फ्लैश लाइट के लिए, ठीक है। आगे का लुक देखेंगे तो भाई ये भी बहुत बेहतरीन है, कर्व डिस्प्ले में फ़ोन होने वाला है। अब देखते हैं डिस्प्ले में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले और बैटरी पे ही फ़ोन ये चलने वाला है टोटली। और जितने भी नए फ़ोन आ रहे हैं सब पे डिस्प्ले पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अब बैक साइड भी देख सकते हैं क्या लुक है यार, बेहतरीन लुक के साथ यार फिंगरप्रिंट डिस्प्ले पर ही मिलने वाला है। मीडियाटेक का इसमें प्रोसेसर दिया हुआ है जो कि स्नैपड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, 8th Gen 3 का होता भाई बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन 8th Gen 3 का नहीं है। मीडियाटेक डेमसिटी 9200+ है, यानी 8th Gen 3 से भी कम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मीडियाटेक डेमसिटी 9200+ है, 1600K की इसकी रेटिंग है, जबकि स्नैपड्रैगन 8th Gen 3 में 1500K की इसकी रेटिंग है, यानी उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर है और बहुत बेहतरीन प्रोसेसर है इस मामले में। गेमिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, Antutu स्कोर है इसका 1600+, उसका 1500+ है। अब इसकी कैमरा क्वालिटी देखिए, सोनी का कैमरा मिलने वाला है, मॉडल नंबर भी इसमें लिख के दिया हुआ है लोगों ने कंप्लीट की तरीके से, IMX92921 OIS कैमरा इस फ़ोन के अंदर मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो हमको सबसे ऊपर की तरफ मिलने वाला है, जो सबसे फर्स्ट कैमरा है वो केवल 8 मेगापिक्सल का वाइट एंगल कैमरा है, और सेकंड कैमरा जो है हमारा वो है 50 मेगापिक्सल से सोनी का, इसी का मॉडल नंबर है IMX921 OIS कैमरा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो ये फ्रंट कैमरा भी हम लोगों को 50 मेगापिक्सल का ही मिलने वाला है, ग्रुप सेल्फी कैमरा के नाम से ये होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़े चलने वाले हैं। अब देखिए, हम लोग 4K तक इसकी वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 60 FPS पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलने वाली है। IP68 है, फुल वाटरप्रूफ है, आप इसको नदी में लेके कूद जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डूब जाइए फ़ोन को डुबा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फुल वाटरप्रूफ है। इसमें लिखा है IP68 का मतलब फुल वाटरप्रूफ। अब देखिए, इन सब चीज़ों के मामले में तो पहले से वीवो बहुत सख्त रहता है बैटरी एंट्री के मामले में। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने 5500 mAh की बैटरी दे के रखी है, और वहीं 80W का फ्लैश चार्जिंग भी सपोर्ट करवा दिया, 5500 mAh की बैटरी और 80W का फ्लैश चार्जिंग, मतलब 24 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और देखते हैं, अब ब्राइटनेस की बात आती है, डिस्प्ले तो बहुत सारी होती है, कलर भी बहुत सारे, बहुत वेरियंट मिल जाते हैं, ब्राइटनेस थोड़ी डिस्प्ले में हमेशा से कम रहती है, जो कि घाम में धूप में खड़े हैं तो दिखती नहीं है, आप जैसे दिन में कहीं धूप में खड़े हैं तो डिस्प्ले पे दिखता नहीं है। तो इसमें 4500 nits की ब्राइटनेस दे के रखी, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अगर इसको फुल पे चलाएंगे तो बैटरी बहुत कम बैकअप देगी, इसको आधे से भी कम पे चलाना है तो भाई बैकअप अच्छा देगी। अब यहीं साथ में उन लोगों ने क्या किया, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दे दिया। अच्छा, इन लोगों की एक क्वालिटी है कंपनियों की, ये 120 से ज़्यादा का नहीं देते, अगर ये इससे ज़्यादा का 144 का देंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है इनका। चलिए और देखते हैं इसी कड़ी में क्या क्या मिलने वाला है हम लोगों को। देखिए, यहाँ पर अभी दो कलर हमको दिख रहे हैं, केवल दो ही कलर, एक तो लूनर ग्रे, दूसरा फ्रॉस्ट ग्रीन, जो कुछ भी है, साला अपनों को इंग्लिश कम ही आता है जैसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फी से लेके हर चीज़ आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। हाँ, एक फ़ोटो में रिमूवर का ऑप्शन इसी में दे के रखा है इन लोगों ने, कोई भी फ़ोटो खींचिए उसमें से किसी को रिमूव करना है तो क्लिक कर दीजिए। ये फीचर्स अभी सैमसंग 24 अल्ट्रा में था, इसमें भी कर दिया इन लोगों ने, नए नए फीचर्स को ये लोग लाते ही रहते हैं। यहाँ पर 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज मिलने वाला है हम लोगों को, 12 GB के साथ प्लस 12 GB टर्बो एक्सटर्नल स्टोरेज और भी मिलेगा भाई, रैम जो कि टर्बो के नाम से मिलती है, स्टैंडर्ड रैम, तो ये भी मिलने वाली है। और 4000 mm2 VC कूलिंग सिस्टम फ़ोन के अंदर, भाई कूलिंग सिस्टम को उन लोगों ने
अपग्रेड करके रखा है, जो कि गेमिंग के लिए जो लेते हैं भाई, हम जैसे लोग गेमिंग के लिए फ़ोन लेते हैं तो भाई कूलिंग सिस्टम का बहुत उपयोग रहता है भाई। क्या होता है कि फ़ोन हीट होता ही होता है, जब भाई कोई सा भी गेम 2.5 GB का गेम चलाएंगे, पबजी खेलेंगे, नॉन स्टॉप खेलेंगे, तो फ़ोन को हीट होना ही पड़ेगा। इन सबसे बचने के लिए उन लोगों ने कूलिंग सिस्टम को देखे रखा है। अगर डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन में 4.6 स्टार मिले हैं 5 में से, 4.6 की रेटिंग है डिज़ाइन की। डिस्प्ले 4.7 की रेटिंग है और बैटरी 4.4 की रेटिंग है, कैमरा की 4.4 की रेटिंग है। ये 8256 में मिलने वाला है, जो कि इसकी प्राइस पड़ेगी तकरीबन 33,999। अगर किसी कार्ड आर्ड को यूज़ करते हैं तो आप 28-29,000 में इस फ़ोन को परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6.7 इंच की डिस्प्ले है, 50 MP प्लस फ्रंट कैमरा, 50 MP वाइड लेंस, 8 MP मैं बता ही चुका हूँ। 8 GB रैम के साथ 4 GB टर्बो मिलेगी, तो ये 12 GB के साथ चलने वाला है। मॉडल नंबर होने वाला है T3 Ultra। T3 Ultra के नाम से ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। 2800x1260 पिक्सल्स पर डिस्प्ले काम करने वाली है और CPU की स्पीड बता दें 3.35 GHz की स्पीड से चलने वाली है। सेकेंडरी ब्लॉक स्पीड की बात बता दें, क्लॉक स्पीड 3 GHz की स्पीड से ये काम करने वाला है। यानी फ़ोन बहुत बेहतरीन और बहुत फास्ट होने वाला है, कोई भी स्लोपन नहीं रहेगा इस फ़ोन के अंदर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।